Bye. Bye. सो गाइस अभी हो रहा है नाइट का करीबन 11 होने वाला है, अभी हुआ नहीं। सो इधर देख सकते हो मेरा पूरा फुल पैकिंग इधर डन हो चुका है, मतलब थोड़ा बहुत और इधर कपड़ा डालना है, फिर शू डालना है, उसके बाद कम्प्लीटली मेरा रेडी हो चुका हूँ अभी पूरा बेंगलोर जाने के लिए। मतलब कल मेरा तीन बजे मेरा फ्लाइट है। सो मॉर्निंग आप लोगों को मिलूंगा जाने का टाइम, जब मतलब गुवाहाटी एयरपोर्ट के लिए निकलूंगा। सो मैं जैसे रात को ही थोड़ा बहुत वीडियो बना लूँ। सो कल का भी ब्लॉग होने वाला है बहुत ज़बरदस्त, जरूर देखना आप लोग लास्ट तक। तो मिलते हैं मॉर्निंग, बाय बाय। मॉर्निंग का हो चुका है, 10:30 बज चुका है और अभी 11 बजे यहाँ से निकल जाऊँगा घर से एयरपोर्ट तक। और अभी इधर देख सकते हो पूरा पंटर लोग, इधर देखो देखो पंटर लोग, देखो देखो। सो अभी इधर देख सकते हो पूरा एक बैग इधर रेडी, उसके बाद ये इधर एक बैग लेके जाऊँगा, उसके बाद सब कुछ तैयार हो चुका है, अभी जाऊंगा। सो लंच को दिखा। सो गाइस घर से निकल के आ चुका हूँ और अभी करीबन टाइम हो चुका है 11:30। घर से थोड़ा निकलते ही थोड़ा देर हो गया और इसलिए वीडियो भी नहीं किया। सो अभी जा रहा हूँ गुवाहाटी तक और गुवाहाटी में जाके अभी दोस्त भी जा रहा है मेरे साथ, तो उन लोगों को भी मिलाऊंगा। और अभी मेरे साथ आया है इधर माँ, आया है मौसी और इधर है भाई और इधर है भाई का दोस्त। ब्लॉग देखना लास्ट तक, बहुत धमाकेदार ब्लॉग होने वाला है। तो अभी पता नहीं उधर जाके कोरोना वरोना टेस्ट करेगा कि नहीं, तो चलते हैं अभी। बैठा सारियाली पहुंच चुका हूँ इधर, आप लोगों का भाभी का मतलब निशा का वेट कर रहा हूँ, वो भी मतलब छोड़ने के लिए जाएगा मुझे एयरपोर्ट तक और वो अभी पहुंचने वाला है इधर। सो उसको भी लेके अभी जाऊंगा गुवाहाटी तक। अभी इतना धूप है ना, इतना गर्मी है, क्या बताओ आप लोगों को यार, हालात ख़राब हो गया, पूरा स्वेट श्वेट हो गया। सो अभी करीबन टाइम हो गया 12:30 बज चुका है अभी ऑलरेडी। पहुंचने वाला हूँ सरायघाट ब्रिज, मतलब गुवाहाटी पहुंच चुका हूँ और गुवाहाटी जालुकबारी से करीबन एयरपोर्ट 13 किलोमीटर। तो अभी निकलते हैं और सरायघाट दिखाते हैं आप लोगों को। किसी तरह से आज जाम नहीं मिला इधर जालुकबारी में, और उस दिन आया था गुवाहाटी 2-3 दिन पहले पूरा सरायघाट पूरा फुल हो रहा था ट्रैफिक में, लेकिन आज नहीं मिला। सो अभी यहाँ से और 13 किलोमीटर है एयरपोर्ट मतलब जालुकबारी से, तो अभी निकलते हैं और डायरेक्ट एयरपोर्ट में मिलूंगा अभी आप लोगों को। लेट्स गो। ओ माँ क्या ना खबर अल्लाह भाई। ओ भाई की खबर हले ऐसा दे। एयरपोर्ट पहुंचने से पहले आप लोगों को आज का वीडियो का स्पॉन्सर्स के बारे में बोलना चाहता हूँ। ये है आज का वीडियो स्पॉन्सर क्या है, मार्स बाय GHC कंपनी ने, और अभी मुझे ये 10 दिन पहले सेंड हुआ था ग्लो स्किन सीरम। सो गाइस 10 दिन से यूज़ कर रहा हूँ ये प्रोडक्ट, बहुत अच्छा मतलब रिजल्ट आया है। जिसका भी डार्क ब्लैक है मतलब पिंपल्स का प्रॉब्लम है वो चला जाता है। और इधर क्या क्या कंटेंट में मतलब क्या क्या मिलता है आप लोगों को, एक सर धमाका मतलब प्रोडक्ट मिलेगा इधर आप लोगों को दिखाता हूँ मैं। विटामिन सी है, नियासाइनामाइड है, फिर मुल्तानी मिट्टी है, टर्मरिक एक्सट्रैक्ट है, उसके बाद कोका बटर है, इधर देख सकते हो सब कुछ आप लोगों को एक ही कॉम्बो में अभी मिल जाएगा। इधर बेस्ट प्रोडक्ट है, अगर आप लोग खरीदना चाहते हो ये डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, उधर जाके आप खरीद सकते हो। ऐसे तो इसका प्राइस है 799, लेकिन आप लोगों को अमेजोन में 699 में मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाके खरीदना। और ये कैसे यूज़ करता है मैं आप लोगों को दिखाऊंगा और इसका कमाल क्या है आप लोगों को। ड्रॉप से ऐसे ले लो, 1-3 ड्रॉप ले लो इससे, फिर ऐसे जेंटली हाथ में रब करो, रब करके आपका मुंह में मजा से ऐसे थोड़ा बहुत मसाज करते रहना, ऐसे मसाज थोड़ा बहुत मसाज करो, उसके बाद हो गया। सो गाइस लिंक इन डिस्क्रिप्शन, जाके जरूर खरीदो।
गाइस फाइनली अभी एयरपोर्ट में अभी आ चुका हूँ, पूरा मास्क लगा लिया और इधर हम सब अभी जा रहा हूँ, इधर मिलाऊंगा अभी आप लोगों को अंदर जाने का टाइम। तो अभी चेकआउट कर ले रहा हूँ, चेकआउट नहीं चेक इन कर लेता हूँ, उसके बाद अंदर मिलेंगे आप लोगों को सिक्योरिटी चेक में। तो अभी सबको मतलब ख़राब लग रहा है, फर्स्ट टाइम के लिए पढ़ने के लिए जा रहा है। बाय बाय बाय। अभी सब फैमिली को इधर सो दिया और अभी हम अरे बाय। तो अभी हम जा रहा हूँ इधर कितना 5 के तो जा रहा हूँ अभी, तो अभी चेक इन करते हैं उसके बाद मिलते हैं। डॉग क्या ना खबर। तो अभी चेक इन करते हैं उसके बाद निकलते हैं। अभी चेक इन कर लिया हूँ और भाई लोग अभी उधर चेक इन कर रहा है। सो अभी बैगेज जमा करता हूँ, उसके बाद सीधा निकलेंगे। अगर सिक्योरिटी सेकंड में अभी बैगेज दे दिया हूँ, देख सकते हो अभी मतलब एयरपोर्ट में आदमी बिल्कुल ही कम है, मतलब आदमी ही नहीं है अभी इधर। सो बोर्डिंग पास निकाल दिया था वेट सेकंड करके। सो अभी कोई टेंशन नहीं है, अभी सिक्योरिटी चेक होगा उसके बाद गेट नंबर में जाएंगे, बैठेंगे और बाद ऐसे बेंगलोर के लिए अप्लाई करेंगे। सो अभी वेट चेक करना है कितना है, अगर 15 से ज़्यादा हो गया तो फिर और सुना लग जाएगा। तो देखते हैं अभी अंदर जाके कितना वेट है, बैग में क्या है। इधर देख सकते हो इंडिगो का आ गए हैं। तो गाइस फाइनली जितना भी मतलब हमारा बैगेज था वो अभी ऑलरेडी सबमिट कर दिया हो, मतलब जमा कर दिया बैग और अभी ऐसे लाइन लगना है, उसके बाद सीधा निकलना है और सेकंड करके गेट में मिलूंगा आप लोगों को। अगर इधर देख सकते हो इतना सामान हो चुका है, अभी इसको पूरा चेकिंग में जाएगा। आपने कितना सामान हो पर्स छोड़ दिया, सिक्योरिटी चेक कम्प्लीट कर लिया और अभी इधर हमारा भाई लोग भी इधर देख सकते हो और इधर हमारा हीरोक भाई। हीरोक भाई की खबर, मज़ा। तो इधर से एयरपोर्ट का क्यू आ रहा है, जैसा इधर पूरा सिक्योरिटी चेक हो रहा है इधर और अभी अंदर जाना पड़ेगा हमको। हमारा नाम बुलाया जा रहा है, अभी इधर लेट हो चुका है। सो अभी जल्दी से जल्दी बोर्डिंग करते हैं। तो गाइस फाइनली अभी बस के अंदर आ चुका हूँ, देख सकते हो हमारा 15 लोग इधर है सब लोग। सो अभी मतलब बस से लेके जा रहा है फ्लाइट तक और वहाँ जाके बोर्डिंग करना है, उसके बाद निकलना है। हाँ मैं भी लास्ट पैसेंजर हूँ। सो इधर पूरा जल्दी से जल्दी हमको सब कुछ काम करा दिया, फिर अभी फ्लाइट में लेकर जाएगा, बिठाएगा और फिर बेंगलोर निकलेंगे। सो बेंगलोर तक वीडियो देखते रहना। अभी बोर्डिंग हो चुका हूँ फ्लाइट में, देख सकते हो ऐसा है अभी हालत। और इधर मेरा दोस्त जो जा रहा है अभी इधर के बाद अभी बेंगलोर पहुंच चुका हूँ। ये देख सकते हो बाहर का व्यू, इसमें सुना है ना। सो ये है कुछ बाहर का व्यू बेंगलोर एयरपोर्ट का। सो अभी गाइस सीधा निकलते हैं और बैग लेके उबर एक बुक करना है, अभी उबर बुक करके सीधा लोकेशन में जाना है।
अभी इधर पता नहीं गाइस कोरोना टेस्ट करेगा कि नहीं करेगा, मतलब कुछ आइडिया नहीं। अगर कोरोना टेस्ट करेगा तो पता नहीं पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा, होपफुली होप फॉर द बेस्ट। अगर कोरोना टेस्ट नहीं करना तो अच्छा रहेगा। तो अभी सुसु कर लेते हैं फर्स्ट। इधर हमारा बेल्ट नंबर और इधर ही हमारा अभी आ रहा है सामान। बैग ले लेके अभी एग्जिट होने वाला हो इधर। एज यू कैन सी 5 मंथ के बाद आया हूँ बेंगलोर। कैसा लगा हीरो भाई? बहुत मजा। 5 मंथ के बाद फाइनली पहुँच चुका हूँ फिर से। अभी वेदर क्या, असम से तो बहुत ठंड होगा अभी इधर। असम में तो इतना मतलब ज़बरदस्त गर्मी है ना अभी, लेकिन अभी बेंगलोर में बहुत ठंडी है। सो लेट्स गो। फाइनली ऑफिशियली वी आर इन बेंगलोर। दिस इज बेंगलोर एयरपोर्ट। रॉयल रेंटल BMW हार्ले डेविडसन सब कुछ, मतलब बाइक इधर से आप लोग रेंट करके लेके जा सकते हो। और बेंगलोर का जो एयरपोर्ट का जो स्टाइल है ना गाइस बहुत सुंदर है यार, क्या बताओ आप लोगों को। सो अभी जा रहा हूँ उबेर का, इधर मतलब अलग से ऐसे लेन बना हुआ है उबेर और ओला का, तो उधर ही जा रहा हूँ अभी। और उबेर नहीं तो ओला एक बुक करेंगे, उसके बाद सीधा जाएंगे रूम। माँ कसम बहुत बहुत दिनों के बाद आके मतलब अच्छा लग रहा है। 5 मंथ के बाद, 5 या 4 मंथ के बाद आया हूँ। यही है बेंगलोर एयरपोर्ट। पहले गाइस अभी उबर स्टैंड में आ चुका हूँ, इधर देख सकते हो उबर। और इधर है हमारा उबर एक्सेल, मतलब आर्टिका बुक किया, क्योंकि हम 5 पर्सन हूँ इसलिए, नहीं तो उबर को ही करता हूँ। लेकिन आज बैग भी है 5, इसलिए उबर एक्सेल करना पड़ा हमको 900 रुपीज़ में। और कितना सुंदर आ रहा है देख सकते हो बेंगलोर एयरपोर्ट का व्यू यहाँ से, माँ कसम यार। और इधर है द ताज होटल, मेरा ऑलरेडी इधर फोटो है, इंस्टाग्राम में डाल दूंगा, एक देख लेना आप लोग। ये जो ताज मुंबई में जो है ताज, वो सेम ओनर का ही है इधर, ताज होटल। सो गाइस अभी बैग डालते हैं इधर और सीधा निकलते हैं। उबर में आ चुका हूँ और उबर का चार्ज है करीबन 900 रुपीज़। तो अभी यहाँ से कितना किलोमीटर दिखा रहा है? 22 किलोमीटर है यहाँ से पूरा लोकेशन तक हमारा। तो जाते हैं फास्ट, उसके बाद देखते हैं खाना पीना खाना पड़ेगा जाके, क्योंकि बहुत भूख लगा है अभी। और इधर है हमारा भाई लोग, पूरा खचाखच भरा हुआ है पीछे से। सो गाइस फाइनली अभी पीजी पहुंच चुका हूँ, मतलब ये पीजी है देख सकते हो, मतलब कल अच्छी तरह से साफ वाफ करके देगा। इधर एक कबोर्ड, इधर 3 बेड है आज। और इधर हमारा अमीनुल भाई को भी मिल चुका हूँ अभी। अमीनुल भाई इसके बाजू वाला पीजी में ही रहता है। मैं इसमें रहता हूँ। कैसा हो? ठीक है, ठीक है, मस्त। सही है। अमीनुल भाई को कॉल करके बोला था पीजी देखने के लिए, तो ये बात करके रखा था, तो अभी आके पूरा फिक्स कर दिया। पीजी से अभी आ चुका हूँ इधर लुलू शॉपिंग मार्ट में, बिकॉज दोस्त लोगों को थोड़ा बहुत सामान सही था, इम्पोर्टेंट सामान, जैसे कि थाल हो गया, मतलब बॉल हो गया, ऐसे कुछ सही था सामान। सो अभी पीजी में जाऊंगा, नहाऊंगा या नहीं नहाऊंगा देखूंगा, बिकॉज मेरा सर्दी भी हो रहा है। सो घर से लेके अभी यहाँ तक ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर हिट करना। सो अभी इधर अमीनुल भाई भी है हमारा, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। और हमारा पीजी जो है मतलब बाजू में ही है, तो आना जाना रहेगा। और अभी वाईफाई का जो पासवर्ड है ना, वाईफाई पूरा सेट कर लिया हूँ, अभी जस्ट जाके जस्ट एडिट करना है, उसके बाद अपलोड कर देना है कल। अम्मा का ब्लॉग आएगा, अम्मा का ब्लॉग। सो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और अभी बेंगलोर से और धमाका ब्लॉग आने वाला है, तो यही है, मिलते हैं फिर बाद में। लैपटॉप ऑन, अभी इधर मेमोरी लगाऊंगा और आज का जितना भी शॉट है पूरा मोबाइल में डालूंगा और एडिट करूंगा, तो कल आप लोगों को ये ब्लॉग देखने के लिए मिलेगा। सो ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर हिट करना। सो टिल देन बी सेफ, बी हैप्पी गाइस, बाय बाय। আজি চাই দেখি নাপাওঁ যদিও সপোনে তোমাৰে নাম কয়, তোমাৰো আজৰি খুজিব নোৱাৰো আগৰ কথাবোৰ ভাবি ৰয়, চাৰিওফালে মিছা মাতৰে সুহৰি ধৰিব পৰা নাই এই জীৱন, নাজানো ৰ'ব যাব নোৱাৰো ঘূৰাই দিয়া মোক ভুল লচন।